हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। और बज रहे हैं 8:45 हो गए हैं। मैं जस्ट अभी 5 मिनट हुए हैं, मैं सो के उठी हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा। और आज है डे ट्यूसडे, तो मैं अपना ट्यूसडे का व्लॉग स्टार्ट कर रही है। और अभी मैं इसलिए इतना जल्दी हो रही हूँ, मैं बस रेडी होने जा रही हूँ क्योंकि आज ट्यूसडे है। सो मम्मी को लेके जाना है ऑपरेशन के लिए, क्योंकि 3 बार मैं उनको लेके जा चुकी हूँ बट उनका बीपी कंट्रोल नहीं हुआ, तो आज लेके जा रही हूँ फिर से। आई होप सो कि उनका बीपी ना नॉर्मल हो जाए और हम उनका फिर आज ऑपरेशन हो जाएगा आईज का। और मैं यहाँ पे बैठी हूँ इस वाले रूम में। और ना आज घर में कोई भी नहीं है फिलहाल, मतलब ना मेरी जो बुआ सास है ना उनके घर में ना पाठ है, सहज पाठ है जो सिख में होता है ना, मतलब 7 दिन का आई थिंक। तो वो पाठ रखवाया, शादी के लिए पाठ रखवाया हुआ है, उनके बेटे की मैरिज है। तो बस थोड़े दिन रह गए मैरिज को और आज है पाठ की समाप्ति। तो वहाँ पे गए हैं सुकीरत के दादू और उसके ताऊ। हम लोग अभी इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारा यहाँ पे टाइम दिया हुआ था डॉक्टर ने, इसकी वजह से नहीं गई। बाकी देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। अगर वहाँ पे सब कुछ ठीक होता है तो हम उसके हिसाब से टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हम कहाँ जाते हैं। बोला नहीं जा रहा, हाँ तो मैं यहाँ पे बैठ गई। और टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं, अगर उनका मतलब टाइम हमारा जैसे वहाँ पर लगेगा उसी के हिसाब से हम वहाँ पर जाएंगे पार्ट में, अदरवाइज नहीं जाएंगे अगर टाइम नहीं मिला तो। बाकी एक उधर भी जाना है हमें प्रिंटर लेने, क्योंकि कल उनका फ़ोन भी आया था कि हमारा प्रिंटर जो है वो ठीक हो गया बिल्कुल, कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। प्रिंटर भी ठीक हो गया, प्रिंटर भी लेने जाना है। कुछ एक ज़रूरी काम और भी था जो बहुत 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 मेरे लिए ज़रूरी था, वो ना एक्चुअली फिर कभी बताऊँगी। तो बस वहाँ पर भी जाना है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी। चलो फिर फटाफट से ना मैं रेडी हो जाती हूँ, उनको लेके जाना है। टाइम 9 बजने वाले हैं उनका, 8:45 उन्होंने बोला था आ जाना, बट थोड़ी देर मैडम लेट आती तो हम थोड़ा सा 15 मिनट हमने बोला था कि 9 बजे तक ही आएंगे। चलो फिर हम जाते हैं और आप लोगों से मिलते हैं बाद में, देखते हैं क्या होता है। आई होप सो सब अच्छा हो। तो आप सब देख रहे होंगे मैं तैयार हो गई हूँ और कहाँ जा रही हूँ। तो मैंने आपको बताया था ना मैं हॉस्पिटल से जाया हूँ और मैं अपनी जा रही हूँ बुआ सास के घर पे। तो फटाफट से तैयार होना था हमें, एकदम से फ़ोन आ गया था तो मुझे आप लोगों से बात करने का भी टाइम नहीं मिला। तो इसकी वजह से हम लोग तैयार होके बस निकल दिए हैं, मैं मम्मी और सुकीरत। ऑटो में ही जा रहे हैं, बाद में हम बस वगैरह ले लेंगे। फिर हमने उसके बाद रिक्शा ले लिया था आगे जाने के लिए, क्योंकि मम्मी के साथ जाना बहुत मुश्किल है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि वो हैंडीकैप्ड है तो थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। और फिर हम उनके घर में गए और आगे आगे आप देखिए कि इस वीडियो में क्या क्या रस्में होती है, मतलब वैसे ही हम कर रहे थे पहले ही। देखो सुखी रहते कितने जा रही, कितने जा रही, सुगीरत और यहाँ पे देखिए पाठ की समाप्ति हो चुकी है। और यहाँ पे बाबा जी की जो बीट साहब होती है ना, गुरु ग्रंथ साहिब जी होते हैं, तो बस वो लेके अभी जा ही रहे हैं। तो बाकी मैं आपको दिखाती हूँ, ये सब लेडीज़ कम ही लेडीज़ को बुलाया हुआ था क्योंकि आप लोगों को पता है टाइम का। और ये है वो लड़का जो जिनकी मैरिज है थोड़े दिन के बाद, तो ये पाठ रखवाया था शादी की खुशी में। और तो बस मैं आप लोगों को ये साथ साथ ना पंजाबी कल्चर थोड़ा सा आपको दिखा रही थी कि हमारे में ऐसे होता है सिखों में। बाकी मुझे भी इतनी पूरी वाली नॉलेज नहीं है, अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो प्लीज़ आई एम सॉरी। और यहाँ पे बस लंगर की सेवा कर रहे हैं हम लोग। तो मैं प्रसाद यहाँ पे प्रसाद दा बांट रही हूँ, तो बस सबको मैं यही बांट रही हूँ। मुझे ना मैंने ये पहली बार बांटे, मतलब बांटे तो आगे भी है लेकिन काफ़ी टाइम हो गया जब से शादी हुई ना, तब से मैंने कभी ये वाली सेवा करी नहीं है। तो यहाँ पे अक्सर मुझे ना सेवा करने का मौका भी मिल गया तो मैंने सोचा कि चलो मैं कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं सबको प्रसादे बांट रही हूँ। और ये देखो ये ब्लू टर्बन वाले हैं ना, ये है अब ये इनकी मैरिज है। तो मैं आपको इनकी मम्मी भी दिखाती हूँ। तो बस ये सब लेडीज़ है, कम ही लेडीज़ को बुलाया क्योंकि कोरोना का टाइम है तो शादी में ये लोग भी नहीं आने वाले।
इनको बाद में फिर कभी टाइम जब सारी कंडीशन ठीक होगी, क्रिटिकल जो इतनी हुई पड़ी है वो सब ठीक होने के बाद फिर अलग से पार्टी करेंगे। और बस ये फिर मैं आप लोगों के साथ साथ के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही मतलब अच्छी तरह से सब कुछ हो गया था और अच्छे तरीके से सब कुछ हो गया था, लेकिन एंड में क्या हुआ जो ज़रूर ज़रूर देखना कि मेरे साथ क्या हुआ था। आगे मैं एडिटिंग करते वक्त आपको बता रही हूँ बट आगे पता चलेगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ, बहुत ज़्यादा बड़ी वाली। तो बस ये आंटी भी साथ में सेवा करवा रहे हैं, और यहाँ पे इसमें बड़े उनके छोटे वाले ब्रदर नहीं आए हैं तो उन्हें तो मैं आपको वो भी दिखाती, बट मैं भी जल्दी आ गई थी, मुझे आगे भी कुछ दिखाने का इतना टाइम भी नहीं मिला क्योंकि कंडीशन ही ऐसी हो गई थी, वो मैं आपको बताऊँगी। और ये देखिए ये रागी हैं, रागी है जो कीर्तन करते हैं वो होते हैं, ये वो हैं। और बस ये घर की थोड़ी लेडीज़ है, ये पिंक सूट वाले हैं जो दूल्हे की मम्मी हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाए ना मेरे, वो मतलब जेठ जी लगते हैं, ये उनकी मम्मी हैं, तो मतलब मेरी बुआ सास। तो बस इनके यहाँ पे देखो अब खुशी का माहौल है। तो बस मैं आपको दिखाती हूँ आगे, आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा ये वाला मतलब मैंने जो आपको बताया है। हाय एवरीवन, तो मैं वापस आ चुकी हूँ वहाँ से क्योंकि प्रॉब्लम हो गई थी बहुत बड़ी। एक्चुअली आप मेरी आईज़ देख के पहचान सकते हो, मेरी आईज़ पहले मैं बहुत ज़्यादा रो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था वहाँ पे। मैं ना गिर गई बहुत ज़्यादा ज़ोर से और मेरी लेग पे इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है और पूरा ना रेड रेड हो गया है। एक मिनट सुकीरत आइए, मे भी एक मिनट। हाँ पानी पीने लो, पानी पीने। और ना वहाँ पे गिर गई और मेरे इतना ज़्यादा नील पड़ गया ना, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा पड़ा है मेरे मेरे से ना बर्दाश्त नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा। सुकी ना मम्मा नू दे दो, और ना मेरी लेग ना बिल्कुल भी फोल्ड नहीं हो रही और ना मैं खड़ पा रही हूँ ना मैं चल पा रही हूँ, इतनी प्रॉब्लम हो गई वहाँ पे। नहीं तो मैंने आपको वहाँ पे और भी कुछ दिखाना था, बहुत कुछ दिखाना था, कपड़े दिखाने थे जो जो हमने शादी के लिए उन्होंने लिए थे, तो मैं कुछ नहीं दिखा पाई और उसकी वजह से मुझे जल्दी आना पड़ा सुखी रखो क्योंकि नींद बहुत आ रही थी। उनके घर में मतलब एक साइड पाठ हो रहा था और दूसरी साइड जगह नहीं थी उनके घर में, बिल्कुल सारा भरा पड़ा था टेबल से, मतलब टेबल से नहीं मतलब बेड पे ना सारे टेबल वगैरह चेयर सब कुछ पड़ा हुआ था, कपड़े पूरा ढेर लगा हुआ था, तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी वहाँ पे बैठने के लिए। सुकीरत को सोना भी था तो जिसकी वजह से ना मैं उठी सुकीरत को सुला के, जैसे ही मैं उठी मैं बहुत ज़ोर से गिर गई तो जान निकल गई मेरी, मेरा पैर बहुत ज़्यादा स्वेल्ड है, कल जाऊँगी डॉक्टर के पास, देखती हूँ क्या होता है। ये आज ट्यूसडे का ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ, पर आज गए थे मम्मी को लेके डॉक्टर के पास, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ हमारे साथ, डॉक्टर की पूरी टीम जो थी वो छुट्टी पे थी, पूरा स्टाफ ही छुट्टी पे था डॉक्टर्स का। मुझे लगा कि शायद आज बीपी नॉर्मल होगा और आज सभी डॉक्टर्स छुट्टी पे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अभी कल फ़ोन किया था, अभी वो कह रहे हैं कि कल आ जाओ एक बार चेकअप कर लेते हैं फिर वो ऑपरेशन की डेट दे देते हैं, बट देखते हैं कि क्या होता है, पता नहीं। अब इस ब्लॉग को मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँगी या नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। आज खाना मैं नहीं बना रही, आज एक आंटी आएंगे वो ही मतलब रोटी बनाएंगे, बाकी मैंने जितना मेरे से काम हो रहा था सब्जी कटनी बर्तन धोने मैंने वो कर दिया कैसे तैसे भी करके। अभी मैं रेस्ट कर रही हूँ, अभी मैं दवाई लगाऊंगी, बाकी कल जाती हूँ डॉक्टर के पास, कल देखते हैं कि वो क्या बोलता है। होप सो सब ठीक हो। सुगर नहीं बेटा पापा का है, देखते हैं क्या होता है। सुगर नो मेरी आज पूरी मतलब खराब है और फीवर जैसा भी लग रहा है, देख सकते हैं इस वक्त। चलो कोई बात नहीं, बाकी अभी खिला रहा बहुत पड़ा हुआ है, मेरे साथ कुछ भी काम करने की हिम्मत नहीं हुई। सुबह दोपहर को फटाफट से आ गई थी और मॉप भी हस्बैंड ने किया, झाड़ू भी उन्होंने ही लगाया था, तो उन्होंने मेरे साथ सारा काम करवाया। मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे, सब कुछ उसको मतलब रैक में लगा दिए थे मैंने, और अभी यहाँ पे देखो कि खिलारा पड़ा हुआ है मेरा चेयर पे। वो कल वाले कपड़े जो मैं नए लेके आई थी वो भी वहीं पे पड़े हैं, जो आज पहन के गई थी वो भी वहीं पे खिलारा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं मैंने संभाला अभी। सुकीर दे दो, मम्मा ने दे दो, नो पापा गुस्सा करोगे। और एक मिनट सुकीर दिखाऊ मैं क्या, आई उठा नहीं जा रहा, पता लंगड़ा के चल रही हूँ। सुकीर पापा गुस्सा करोगे बेटा, खोल लो ना,
पापा के ना ये हेडफोन ना खोलने लग जाते हैं, फिर उनके इतने महंगे महंगे होते हैं हेडफोन, और ये ना तोड़ देती है मेरे से, बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो नहीं परेशान हो गई हूँ ना। और चलो इसी के साथ ना फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलते हैं अब अपने न्यू वीडियो में। मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, पता नहीं। तो थैंक यू।